अशरफ की पत्नी जैनब सहित उसके घर वालों पर वक्त की प्रॉपर्टी बेचने को लेकर मुकदमा दर्ज है। इसके साथ ही जैनब के खिलाफ कोर्ट से गैर जमानती वारंट भी जारी है। उमेश पाल हत्याकांड के बाद से अशरफ की पत्नी फरार चल रही है। अशरफ की पत्नी जैनब के धूमनगंज हटवा स्थित घर की आज कुर्की की गई। रविवार को बड़ी संख्या में फोर्स के साथ हटवा पहुंचे पुलिस अधिकारियों ने जैनब के घर की कुर्की की। पुलिस जब कुर्की के लिए पहुंची तो मकान में कोई सामान नहीं मिला। पुलिस का कहना है कि कोर्ट से अनुमति लेकर धारा 83 के तहत कुर्की की गई। सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मुकदमा अपराध संख्या 14/23 जो उमेश पाल हत्याकांड से संबंधित है, जिसमें फरार आरोपिता जैनब फातिमा जो घटना के दिन से ही बादस्तूर फरार है, स्पेशल कोर्ट SC ST माननीय न्यायालय प्रयागराज के आदेश से आज 83 की कार्रवाई में अमल में लाई जा रही है, जिससे इनके चल अचल संपत्तियों को हटाया जा रहा है। इस कार्रवाई के बाद अगर कोई भी व्यक्ति इस घर में अनधिकृत प्रवेश करेगा तो उसके खिलाफ विधिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। धन्यवाद। गौरतलब है कि विधायक राजू पाल की हत्या के मामले में मुख्य गवाह उमेश पाल और उसके दो सुरक्षा कर्मियों की दिनदहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। CCTV फुटेज में माफिया अतीक अहमद का बेटा असद, गुड्डू मुस्लिम, गुलाम हसन, साबिर और अरमान भी नजर आए थे। असद और गुलाम हसन को पुलिस ने झांसी में एनकाउंटर में मार गिराया था। गुड्डू मुस्लिम, साबिर और अरमान फरार चल रहे हैं। तीनों के ऊपर पुलिस ने 5 लाख रुपए का इनाम भी घोषित कर रखा है। शनिवार को गुड्डू मुस्लिम और साबिर के घर की कुर्की हुई थी। गुड्डू मुस्लिम के चकिया स्थित चकनी रातुल और धूमनगंज के मरियाडी स्थित साबिर के घर की कुर्की की गई थी।